हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 9 एंड द डेट इज 21st October 2020। योर क्लास इज 8। हेयर यू विल राइट योर नेम, हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वोकैबुलरी बोर्ड, शब्दावली। वोकैबुलरी को क्या बोलते हैं? शब्दावली। इसमें आप नए वर्ड्स, शब्द अर्थ सीखते हैं। तो और किसके ऊपर बेस है? जो आपने चैप्टर पढ़ा है सुनामी, जो कि आप पेज नंबर 25 से 30 में दोबारा से पढ़ सकते हो, जो कि हनी ड्यू टेक्स्ट बुक से लिया गया है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। आपको इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश दिए गए उनको फॉलो करना, और जो नीचे ये ग्रिड दिए गए इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। इनको फिल करना है। करना कैसे है आपको? कि आपको दोबारा से एक बार चैप्टर को पढ़ना है और ये जो नीचे ग्रिड दिए गए हैं इनको आपको फिल करना। जैसे फर्स्ट ग्रिड में आपको लिखना है नेम्स ऑफ एनी फाइव पीपल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी, नेम्स ऑफ एनी फोर प्लेसेस, नेम्स ऑफ फाइव एनिमल्स, नेम्स ऑफ एनी थ्री थिंग्स टू वाटर, और एट वर्ब्स इन पास्ट टेंसेस एज गिवन इन द लेसन। ये आपको करना है। तो आपको कैसे करना है? आप पहले एक बार चैप्टर्स पढ़िए और चैप्टर्स पढ़ के फिर मेरे जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उनके साथ अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट ग्रिड में बताना है आपको राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव पीपल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी, कि आपको किन्हीं भी पांच लोगों का नाम लिखना है, बताना है, जो कि चैप्टर सुनामी में लिए गए हैं। तो आप किस किस का नाम लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इग्निशियस, जो कि मैनेजर थे, जॉन, संजीव, मेघना, टिली स्मिथ और कोलिन स्मिथ, या पेनिंग का भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अगर आप फोर प्लेसेस लिखना चाहो लेसन में से तो आप लिख सकते हो पुकेट बीच, गाला कोस्ट, गाले कोस्ट, यला नेशनल पार्क, कुडलेर कोस्ट। तो ये आप प्लेसेस का नाम लिख सकते हो। अगर फाइव एनिमल्स जिनका नाम सुनामी में जो चैप्टर में लिया गया, तो आप लिख सकते हो वहाँ पर एलिफेंट्स, डॉग्स, बफेलोज, गोट्स, लिपार्ड्स। आगे अगली ग्रेड में क्या करना हमें? अगली ग्रेड में हमें थ्री थिंग्स लिखनी है। थ्री थिंग्स तो आप लिख सकते हो टेलीविजन सेट, टेबल, हेलीकॉप्टर, और ये सभी जो आप ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, ये सभी आपके लेसन में से ही मैंने फाइंड आउट किए हैं। और थ्री वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर, तो आप लिख सकते हो सी शोर, समुद्र तट, बीच लिख सकते हो, स्विमिंग पूल लिख सकते हो, और एक वर्ड होता है रिसीड, मतलब वापस आना, जो कई बार जैसे पानी का जो बहाव वापस आता है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और एट वर्ब्स जो लिखनी है आपको किसमें लिखनी? पास्ट समय टेंस में। पास्ट टेंस माने जो समय बीत गया, उसमें आपको एट वर्ब्स लिखनी है जो सुनामी चैप्टर में यूज की गई हैं। तो पहली वर्ब आप लिख सकते हो कोज्ड। कोज्ड का मतलब होता है घटित होना, और इसमें चैप्टर का भी यूज किया गया है इसमें जो सेंटेंस, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो वर्ड वोक, जो कि वेक की सेकेंड फॉर्म है, वेक माने जागना या जगाना। हिज वाइफ जो सेंटेंस यूज किया गया है चैप्टर में, हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे उठा दिया। फेल्ट, फेल्ट माने महसूस करना, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, ऐसे आप सेंटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंस्ड, सेंस्ड का मतलब भी होता है महसूस करना, बट टिली स्मिथ सेंस्ड डेट समथिंग वॉज रॉन्ग। आगे लिख सकते हो जो कि सेकेंड, इसमें आपको पता है कि थ्री पार्ट्स में इस लेसन को डिवाइड किया गया है। सेकेंड जो पार्ट, उसमें आप स्टार्टेड जो वर्ड पढ़ोगे, जैसे टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस बीच से सभी दूर चले जाओ। किल्ड, किल्ड माने मारना, तो किल्ड का यूज कैसे किया गया है? थर्ड पार्ट में किया गया है। बट द फैक्ट इज डेट द जाइंट वेव्स डेट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियंस किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। आगे आप यूज कर सकते हो पेरिश्ड। पेरिश्ड माने मारा जाना या मार दिया गया। अलोंग इंडियाज कुडलेर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, ऐसे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। रश्ड, रश्ड माने होता है तेजी से भागना, तो यहाँ पर आप सेंटेंस आप पढ़ोगे जू एनिमल्स रश्ड इन टू देयर शेल्टर्स, जो जू एनिमल्स थे वे अपने घरों में भागना, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है खत्म होती है। लास्ट में आपको कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अप्रोप्रिएट माने उचित, बिहेवियर माने व्यवहार, कि कोविड के समय हमें
कौन सा उचित व्यवहार करना चाहिए, तो वो है हमारे लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अगर सेफ रहना, स्वस्थ रहना है तो आपको मास्क पहनना है, मास्क पहनना चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर भी बनाई गई है मास्क पहनने की, कि मास्क यहाँ पर देखिए वायरस आता दिख रहा है और मास्क से जब टकराया तो वायरस वापस चला गया। तो यहाँ पर ऐसे हमारी जो वर्कशीट है आज की वो ख़त्म होती है। और अगर आपको इसके जो सुनामी के जो और वीडियोस, जो पिछली वर्कशीट्स के वीडियोस देखने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।